और इस बीच हमारे साथ वैशाली पारेख जी भी जुड़ चुकी है। वैशाली, शुक्रिया हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं आपकी राय रियल एस्टेट स्टॉक्स पर लेना चाहूंगी और उसमें इन पर्टिकुलर ओबेरॉय रियल्टी। मंगलवार को नतीजे आए थे, नतीजे काफ़ी अच्छे थे। कल के ट्रेडिंग सेशन में करीब 4 से 5% का उछाल दिखा और आज भी 7 से 8% का उछाल दिखाई दे रहा है। ओबेरॉय रियल्टी पर आपकी क्या राय बनती है और इसी के साथ रियल एस्टेट स्टॉक्स में कुछ और अगर निकल कर आ रहा हो तो? यस, ओवरऑल आप लंबे समय का भी नजरिया देखेंगे तो रियल्टी सेक्टर इज ऑन राइज, तो हर एक डिप पे एक बाइंग का मौका बनता है और खास करके अभी आप देखेंगे ओवरऑल रियल्टी में भी एक अच्छा सा बाउंस आ चुका है। सो मेरे ख्याल से नई बाइंग स्ट्रेटेजी यहाँ पे नहीं हो सकती है, बट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के पास जिन्होंने भी रखा है होल्ड करते रहिए, बिकॉज आई थिंक ओवरऑल रियल्टी सेक्टर में और भी अपसाइड पोटेंशियल काफी है। ये है सलाह ओबेरॉय रियल्टी पर। वैशाली, इसके अलावा आप ट्रेड के मौके कहाँ देख रही हैं आप? सो एक्चुअली ट्रेडिंग इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, वोलेटिलिटी इंडेक्स भी बढ़ रहा है, मार्केट ऑल्सो इज अंडर थ्रेट, बट यही माहौल में जो हम देख रहे हैं फिलहाल एक जाइडस लाइफ साइंस, वो एक ट्रेंड फिलहाल ठीक ठाक है। सो 980 के स्टॉप लॉस के साथ मैं ये रिकमेंड करूंगी फॉर अ ट्रेडिंग टारगेट ऑफ अराउंड 1030। और दूसरा है जो एक पोजिशनल ट्रेड रहेगा, ट्रेड गेन में हम देख रहे हैं कि आज पूरा दिन स्ट्रेंथ दिख रही है, वॉल्यूम पिकअप भी है। सो अराउंड 734 का भाव चल रहा है, 690 के स्टॉप लॉस के साथ 780 का टारगेट। सो दिस इज अ पोजिशनल ट्रेड। ठीक है, पोजिशनल ट्रेड है ये और स्टॉप लॉसेस का भी ध्यान रखिए। अगर आप तेज़ी का ट्रेड ले रहे हैं तो थोड़ा वॉलेटाइल है मार्केट और इस बीच स्टॉप लॉसेस के ज़रूर चले। रेट गेन ट्रैवल और इसके अलावा जाइडस लाइफ 1030 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके चल सकते हैं, पोजिशनल कॉल है ये। कपिल, आपकी तरफ से क्या सलाह होगी ट्रेड करने के लिए? जी, आज के दिन में हम देखते हैं कि सबसे गिरने वाले सेक्टर में जैसे आपने पहले नोट करवाया पीएसयू बैंक से, और पीएसयू बैंक के बाद में जो नेक्स्ट बेस्ट सेक्टर आता है जहां पे ज्यादा गिरावट देखने मिली है वो है ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर का भी काफी सारा एक सेगमेंटेशन बना हुआ है, आपके 2 एंड 3 व्हीलर्स है, आपके एलसीवीज एचसीवीज है, आपके कमर्शियल व्हीकल है। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जो टाटा मोटर्स का स्टॉक है वो काफी दिनों से एक रेंज बाउंड में रहा हुआ है और पिछले कुछ दिनों में हमें एक सेलिंग प्रेशर भी अच्छा खासा उसमें दिखने मिला हुआ था। स्टॉक प्राइस थोड़ा सा एक नेगेटिव मोमेंटम में आ रहा है, 921 के लेवल पे चल रहा है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो करंट लेवल पे एक शॉर्ट का व्यू बनता है, 937 का स्टॉप लॉस रहेगा और नीचे में 900 एंड 890 के हमें टारगेट इसमें देखने मिल सकते हैं। और दूसरा, मार्केट का स्ट्रक्चर वोलेटाइल है, एकदम बेरिश है वैसा नहीं है, तो इसी टाइम पे जो एक डिफेंसिव सेक्टर की तरह से जो उभर के आता है जो है फार्मा सेक्टर, और आज के दिन में फार्मा सेक्टर्स के कुछ कुछ काउंटर्स काफी अच्छा भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा एक व्यू टोरेंट फार्मा पे रहेगा, वो काफी टाइम से एक बेस बना के ऊपर में आज चाल दिखने मिल रही है, तो 2683 के लेवल पे टाटा सॉरी टोरेंट फार्मा बाय करना बनता है, 2640 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में हमें टारगेट इसके कुछ 2750 के दिखने मिल सकते हैं। ठीक है, तो टाटा मोटर्स में बिकवाली करके चलिए और टोरेंट फार्मा में तेजी करके आप जा सकते हैं 2750 के लक्ष्य के लिए। ऑटो स्टॉक्स की अगर बात करें तो मारुति में वीकनेस भी बढ़ रही है और स्टॉक अब 3.5% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर मारुति सुजुकी में दिखाई दे रही है। वैशाली, कोई शॉर्ट साइड ट्रेड लेना चाहिए क्योंकि आज ऑटो स्टॉक्स भी कमज़ोर हैं, इंडेक्स देखे दिन के निचले स्तर पर आ चुका है, इसमें मारुति सुजुकी में क्या और करेक्शन देख रही है आप यहाँ से? सो मारुति में आज एक अच्छी सी बेरिश कैंडल बनी है और वॉल्यूम के साथ भी हुई है। सो आई थिंक 12,220 लेवल्स अगर टूटता है तो वेल इंट्राडे के पर्पस से 12,220 के लेवल्स तक आप सेल शॉर्ट कर सकते हैं, और अगर ये लेवल्स टूटते हैं तो और भी सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है। सो यस, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इसी अनुसार बनाएंगे। ठीक है, तो ये है सलाह मारुति सुजुकी पर। आपके पास आना चाहूंगी, कुछ रेलवे स्टॉक्स की बात करते हैं। टीटागढ़ वैगन्स, टेक्समैको रेल, दोनों ही स्टॉक्स में 6 से 10% की तेजी दिखाई दे रही है।
टीटागढ़ की बात करें तो नतीजे कल आए थे, रेवेन्यूज में 8% का ग्रोथ दिखा, मार्जिन्स भी एक्सपैंड होते हुए नजर आए। और टेक्समैको रेल के तो नतीजे अभी एक घंटे पहले कुछ आए थे, उसमें भी नतीजे काफी अच्छे हैं, रेवेन्यूज में 40% का ग्रोथ दिखा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 180% का ग्रोथ दिखा प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर। तो दोनों ही कंपनीज के नतीजे काफी अच्छे थे जिसके चलते स्टॉक में भी तेजी दिखाई दे रही है। लेकिन टेक्निकल्स पर देखें तो क्या राय बनती है टीटागढ़ रेल और टेक्समैको रेल? तो टीटागढ़ रेल ऑफ कोर्स वॉल्यूम भी अच्छा है, एक नई अच्छी सी बुलिश कैंडल है और इट्स गोइंग टुवर्ड्स द रेजिस्टेंस लेवल, जो प्रीवियस हाई है 1248, ये लेवल पे ध्यान देना है। मैं टीटागढ़ रेल की बात कर रही हूँ। सो अगर 1248 लेवल्स को क्रॉस करता है तो नेक्स्ट टारगेट दिख सकता है 1350, और उसी अनुसार आप देखेंगे टेक्समैको रेल ऑल्सो एक रिन्यूड स्ट्रेंथ दिख रही है और आई वुड से अब एक सपोर्ट लेवल 172 का है और यहाँ से आप ये स्टॉक अभी भी खरीद सकते हैं, बिकॉज 192 के ऊपर अगर ये जाता है तो दिस इज रेडी फॉर 200-220 लेवल्स। आई थी रेलवे स्टॉक्स पर, टेक्समैको रेल और टीटागढ़ वैगन दोनों ही स्टॉक्स में आज भारी तेजी दिखाई दे रही है। भारतीय एयरटेल की बात करते हैं, दो दिन पहले नतीजे आए थे और अब भारतीय एयरटेल रिकॉर्ड ऊंचाई स्तर पर ट्रेड कर रहा है, शेयर में एक महीने में करीब 9% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। तेजी के क्या ट्रिगर्स है और ब्रोकरेज हाउसेस की क्या राय है ये बताने के लिए पूजा जी तो हमारे साथ है ही। पूजा बताएं, भारतीय एयरटेल में कौन से ट्रिगर्स है जिसके चलते स्टॉक में इतनी अच्छी तेजी दिखाई दे रही है? बिल्कुल, भारतीय एयरटेल की अगर बात करें तो 52 हफ्ते के निचले स्तर से करीब 75% की रिकवरी ये स्टॉक दिखा चुका है। पिछले एक महीने में 10% और पिछले एक साल में 70% तक की तेजी स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। 2024 में अगर अब तक देखेंगे तो 32% का रिटर्न आ चुका है स्टॉक में। कमेंट्री काफ़ी अच्छी आ रही है, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में पॉजिटिव हैं। अभी हाल फिलहाल में जो नतीजे आए उसमें ब्रोकरेज रिपोर्ट्स काफ़ी पॉजिटिव निकल कर आई हैं। मैं कहना है कि टैरिफ बढ़ने और आरपू में सुधार की बाजार को उम्मीद है। 5G नेटवर्क का विस्तार और कैपेक्स में कमी पॉजिटिव होगी कंपनी के लिए। भारतीय कारोबार के नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे हैं जो कि काफ़ी पॉजिटिव था कंपनी के लिए, और शेयर ट्रैक करने वाले 32 एनालिस्ट में 23 की बाई रेटिंग आई है। इसमें ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जो हैं उसमें मोतीलाल ओसवाल ने बाई की रेटिंग दी है, 1640 का लक्ष्य देख रहे हैं। नोमुरा ने भी 1550 के लक्ष्य के साथ खरीदारी की सलाह दी। जेएम फाइनेंशियल्स की भी खरीदारी करने की सलाह 1450 के लक्ष्य के लिए, और एमके ग्लोबल ने भी ऐड की रेटिंग दी है 1400 के लक्ष्य के लिए। तो सबसे ज़्यादा टारगेट्स जो निकल कर आए हैं वो 1500 से 1600 के पास ये स्टॉक जा सकता है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि शेयर ट्रैक करने वाले जो ब्रोकर्स भी हैं, एनालिस्ट हैं, वो भी काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं स्टॉक पर। इस बीच कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल भी हुई थी, उसमें भी कुछ पॉजिटिव बातें निकल कर आई हैं। भारतीय एयरटेल का कहना था कि पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री में टैरिफ में बढ़ोतरी की ज़रूरत है, और रिपोर्ट्स भी यही कह रही हैं कि टैरिफ बढ़ना इंडस्ट्री के लिए, खासकर कि भारतीय एयरटेल के लिए काफ़ी पॉजिटिव होगा। बाकी कंपनियों ने टैरिफ नहीं बढ़ाया तो फिर उन्हें नुकसान यहाँ पर हो सकता है। इनका कहना है कि 300 रुपये का आरपू भी दुनिया में सबसे कम होगा, और इसके अलावा 4G में निवेश रोका गया, 5G सेवाओं में ही वो क्षमता विस्तार करेंगे। इस तरह की भी यहाँ पर कॉन कॉल्स में डिटेल निकल कर आई हैं। तो कमेंट्री पॉजिटिव थी, नतीजे हमने देखा ही अच्छे थे, उसके बाद ब्रोकरेज रिपोर्ट भी पॉजिटिव निकल कर आई। इस वजह से हम देख रहे हैं कि लगातार एक तेज़ी बनी हुई है स्टॉक में और इस पर अपने रिकॉर्ड ऊँचाई के पास स्टॉक कारोबार कर रहा है। अच्छी तेजी है स्टॉक में, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की राय भी काफ़ी अच्छी है और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफ़ी अच्छी निकल कर आई है। इस पर एक टेक्निकल राय ले लेते हैं। कपिल, क्या राय बनती है भारतीय एयरटेल पर? आज तो अच्छी 2% की तेजी दिखाई दे रही है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से स्टॉक मूवमेंट की बात करें तो स्टॉक ने बड़े अच्छे रिटर्न दिए हैं। भारतीय एयरटेल का टेलीकॉम सेक्टर सेगमेंट में से देखते हैं तो एक स्लो स्टेडी लेकिन फॉर्म अपसाइड मोमेंटम उसकी रही हुई है। ऑलऑल टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा रहा हुआ है, मेजोरिटी तो फंडामेंटल व्यू यहाँ पे पॉजिटिव ही आ रहे हैं। टेक्निकली मैं इस स्टॉक के साथ थोड़ा सा नेगोशिएट कर सकता हूँ क्योंकि अभी 1332 के लेवल पे चल रहा है और जो आज का दिन का हाई बना था 1350 का, वो टेक्निकली पहले एक रेजिस्टेंस लेवल हुआ करता था, वहां पे हमने थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर भी देखने मिला हुआ है। तो स्टॉक एक रेजिस्टेंस लेवल से रिएक्ट कर रहा है
है, मार्केट का ओवरऑल सिनेरियो भी थोड़ा सा डाइसी लग रहा है, तो यहाँ पे मैं व्यू बनाऊंगा कि बाय ऑन डिक्लाइंस पे ये स्टॉक काफी अच्छा रहेगा। 1332 का लेवल है, नीचे में 1310 से लेके 1300 की जो इंट्राडे की सपोर्ट रेंज आती है वो काफी बेहतरीन सपोर्ट लेवल इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए, तो बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति यहाँ पे हम अपना सकते हैं। की रणनीति भारतीय एयरटेल पर